के रण में भाजपा के चाणक्य भी उतर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मरुधरा के दौरे पर हैं, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं अमित शाह। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, अमित शाह 3 चुनावी जनसभाओं के साथ चौपाल सभा को भी संबोधित करेंगे। कुचामन मकराना में आम जनसभा को संबोधित किया जाएगा और सभा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन व्यवस्था में भोजन भी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे परबतसर के बितियात में चौपाल सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद परबतसर में ही 3:30 बजे एक और जनसभा है, उसे भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो ये 3 दिन बेहद खास रहने जा रहा है। विमल गौड़ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उसे एक बार फिर से जानकारी ले लें। विमल, इंतजार किया जा रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं द्वारा कि कब अमित शाह पहुंचे। अमित शाह पहुंच चुके हैं, किस तरीके की तैयारी है, आगे की रूपरेखा बताइएगा कार्यक्रम के। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी है, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उनका जो विशेष विमान से है वो लैंड किया है और यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है सांसद भागीरथ चौधरी सहित कई जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उन्होंने उनकी अगवानी किया, स्वागत अभिनंदन किया है, जो बुक्के देकर स्वागत किया है। लेकिन जो अमित शाह है उनका डीढ़वाड़ा कुचामन प्रस्तावित दौरा है, चुनावी जो सभा है, आज चुनाव प्रचार का वो शंखनाद करेंगे। किशनगढ़ विशेष विमान से यह एयरपोर्ट पहुंचे और हेलीकॉप्टर से अब ये कुचामन डीढ़वाड़े के लिए रवानगी ले रहे हैं। ठीक है जी जी, और आगे आगे पहुंचकर किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जिसमें चौपाल सभा भी है, कैसी तैयारी है वहां पर? जी बिल्कुल, वहाँ पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता है और प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी भी वहीं पर है और भाजपा के वरिष्ठ नेता है। चुनावी सभा को जो केंद्रीय गृह मंत्री है स्टार प्रचारक अमित शाह जी को लेकर बड़ा इंतजार, आज चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे और कुछ ही देर में बस हेलीकॉप्टर से वह वहाँ चुनावी सभा में पहुंचेंगे। ठीक है, और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि शाम होते होते सभाओं को संबोधित किया जाएगा और ये सभा, ये संबोधन अपने आप में बेहद खास। ठीक चुनावों से पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और इसीलिए जो प्रत्याशी यहां से हैं उनमें भी बेहद उत्साह होगा। विमल, बिल्कुल बेहद उत्साह है, अमित शाह जी है जो शंखनाद कर रहे हैं, बड़ी उनकी स्वागत को लेकर, उनके जो उद्घोषण है उसको लेकर जिस तरह वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, जो राजस्थान का रण है वो पूरी तरह से सज चुका है, वो उन्हें गुरु मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे, उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें पहुंचाएंगे दर्शकों तक, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के रण में भाजपा के चाणक्य उतर चुके हैं और लगातार 3 दिन सभाओं का रुख करेंगे, संबोधन दिया जाएगा, ये चुनावी संबोधन होगा, बेहद खास होगा। अमित शाह को सुनना, कहां कहां रोड शो होगा, किस तरीके से चौपाल कार्यक्रम को रखा गया है और फिर चौपाल में जो सभा होगी उसको भी संबोधित करेंगे अमित शाह। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि कहां पर रोड शो होगा, जरा देखिएगा, मकराना में रोड शो होगा, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे अमित शाह, उसके बाद परबतसर में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा, बिदियाद में भी अमित शाह का रोड शो रहने वाला है, खासी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर होंगे और हुजूम यहां पर नजर आएगा, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि जितनी ज्यादा संख्या में जनता तक एक मैसेज पहुंचाया जाए, तस्वीरें दिखाई जाए। परबतसर में भी रोड शो रहने वाला है, उसके बाद एक काफिला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, रोड शो के जरिए भी एक शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर बीजेपी की तरफ से नजर आएगी। फिर ये रोड शो परबतसर से होता हुआ कुचामन की तरफ आगे रुख करेगा, कुचामन में भी ये रोड शो रहेगा, खासी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आएंगे। वृंदावन गार्डन में भी अमित शाह का रोड शो है और महत्वपूर्ण आज सभा रहेगी, सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऐसे ही संबोधित करती है, लेकिन है क्या वाकई में जो इतिहास बना हुआ है, जो एक रिवाज बना हुआ है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, सत्ता में कांग्रेस, लेकिन क्या परिपाटी बदली जा सकेगी, क्या इतिहास दोहराया जा सकेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो पाएगी, ये बेहद खास और इसीलिए जोर दिया जा रहा है रोड शो पर, प्रचार प्रसार पर दिग्गज रुख कर रहे हैं। अमित शाह का ये संबोधन भी बेहद खास रहेगा, क्या जीत मंत्र, क्या गुरु मंत्र यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे, या फिर ये चुनौती इतनी कड़ी कि कांग्रेस जो बार बार ये कह रही है कि इस बार उस इतिहास को नहीं दोहराया जाएगा, कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी, ये दावे जो है किसके सही साबित होंगे, आने वाला समय
बताएगा, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, गारंटियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं अमित शाह मरुधरा पहुंचे हैं, ये भी रोड शो करेंगे, जनता तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब पूरे प्रदेश पर व्यापक असर कितना होता हुआ नजर आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कोई कोर कसर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो नहीं छोड़ती नजर आ रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, पूरी जी जान लगाई जा रही है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बैक टू बैक उनके दौरे रहे हैं, दिग्गजों का आना यहां पर कंटिन्यू जारी है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी हैं और ऐसे में अहम जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। राहुल गांधी कई बार आए, प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे क्योंकि यात्रा जो शुरुआत हुई है उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको रण में नजर आएंगे। तो खिंसर का सियासी समीकरण क्या है जरा देख लीजिएगा। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह खिंसर को मैदान में उतारा है, अब कांग्रेस और अन्य पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कितना खेल बिगाड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने डिगारा में अजय सिंह किलक को मैदान में उतारा है, तो विजयपाल मिर्दा कांग्रेस के हैं, जाकिर हुसैन कसावत कांग्रेस के हैं, तो इस सुमिता भींचर बीजेपी के। परबतसर की बात कर लेते हैं, रामनिवास गवड़िया कांग्रेस का, तो मन सिंह किंसरिया बीजेपी का। अब उन्हीं के समर्थन में यहां पर वोट की अपील अपने तरीके से अमित शाह करेंगे। और नावा की बात करें तो विजय सिंह चौधरी हैं बीजेपी के। और 2018 के चुनाव की एक बार नजर देख लीजिए, मारवाड़ का समीकरण क्या कहता है, पलड़ा किसका भारी रहा ये जरा देख लीजिए। बीजेपी के लाडनू की बात की जाए तो कर्ण सिंह को इस बार मैदान में उतारा है और जितेंद्र सिंह जोधा हैं डीडवाना से, चेतन डूडी हैं कांग्रेस से, आमने सामने की टक्कर है। इसके अलावा मंजू बाघमार बीजेपी से जायल से हैं, तो मंजू मेघवाल जो है वो कांग्रेस से है। नाम का धोखा जनता जरूर कर सकती है। नागौर का सियासी समीकरण जरा देख लीजिए, वही खिंसर का सियासी समीकरण भी देख लीजिए, आरएलपी से हनुमान बेनीवाल है। अब ये कहा जा रहा है कि वो खेल बिगाड़ सकते हैं यहां से खिंसर से, देखना दिलचस्प होगा कि किसकी तकदीर जो है वो इस बार काम करती है, कौन किसका खेल बिगाड़ता है या फिर बाजी एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी या फिर एक बार फिर से विपक्ष बाजी मारता है। खैर जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी 25 दिसंबर को, लेकिन कोई कोर कसर पार्टियां नहीं छोड़ रही है। दिग्गजों को बुलाया जा रहा है, चौपाल सभा भी करी जाएगी।